अदबिल्नीम बसमीम तिब इस्लामी में और इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी में एक और मुहम बात जो है वो ये है कि इंसान के मख्त मिजाज हैं मुख्तलिफ मिजाजों के इंसान है या बाज़ गर्म मिजाज के लोग हैं बाज़ खुश्की का गलबा है बाज़ के जिसम में तरी का गलबा है बाज़ के जिसम में वो सर्दी का गलबा है ये मख्तल मिजाज है तकरीबा चार किस्म के मिजाज हैं जो तरकीबी मिजाज हैं इसमें एक और अहम मसला ये है कि जो लोग अपनी मिजाज की शनाख्त ना कर सकें यानी एक इंसान है उसका मिजाज बहुत ज़्यादा ठंडा है और ऐसी चीज़ों को कहा लेता है कि जो चीज़ें खुद मिजाज के लिहाज से ठंडी हैं मतलब एक इंसान है उसका जिसम जो है ठंडा रहता है उसके जिसम में रुतबत का मेदार ज़्यादा है उसके जिसम में बलगम ज़्यादा बनता है रात को सोते वक्त मुँह से राल निकलता है ये चीज़ें उसके लिए है यानी रुतूबत का मेदार और सर्दी का मेकदार उसके जिसम में ज़्यादा मेदार में है उसकी सर्दी और तर्री इससे और बढ़ जाती है और ये बीमारियों का सबब बन जाती है लिहाजा इस बात की तरफ तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अहम है कि हम अपने आप अपने मिजाज को भी समझे पहचाने, उसके मुताबिक खाना खाएँ अपने बच्चों के अपने घर के तमाम अफराद के मिजाज को समझ कर उसी के मुताबिक खाना पीना खाएँ अगर उसी के मुताबिक हम खाना पीना खाएंगे तो हमारा मिजाज जो है वो अतदाल पे रहता है और उसी अतदाल की वजह से हम साले रहते हैं लेकिन अगर हम अपने मिजाज के मुताबिक खाना ना खाएँ तो उसकी वजह से हमारा मिजाज जो है वो बिगड़ने की वजह से पे हमारे लिए वो बीमारियाँ जो मिजाज के साथ मतलब बीमारियाँ हैं वो पैदा हो जाती हैं मसल गरम मिजाज जो लोग हैं वो गर्मी की वजह से यानी उन जिसम में उसकी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है उस शदत को तरफ़ नहीं देखते हैं और और गर्मी जात कहते हैं मसलन मसालेदार खाने खाते हैं मिर्च खाते हैं ये सब चीज़ें का लेते हैं उसकी गर्मी और बढ़ जाती है फिर उसके अखलाक में भी फ़र्क आ जाता है उनको गुस्सा ज़्यादा आ जाता है और छोटी सी बात को वो तहमल नहीं कर सकता है तो देखो अखलाक के ऊपर भी हतम मिजाज के असर आते हैं जिसम तो छोड़े जिसम के ऊपर अपने असर आते हैं बीमारियाँ पैदा हो जाती है वो अपनी जगह पर है लेकिन अखलाक के ऊपर मिजाज के असर मौजूद हैं और इसी तरह एक शख्स है उनको कब्ज़ का मसला है उसकी सर्दी और खुश की खुशकी में बढ़ चुकी है तो वो आता है यहाँ पे चावल भी का लेता है केक भी कहते हैं बिस्कट भी कहते हैं ये चीज़ें का लेते हैं उनका मिजाज पहले ही से ऐसा है कि उसमें सर्दी और उसका खुशकी का गलबा है और वो और ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो खुद मिजाज के लिहाज से सर्द और खुश है तो इसकी वजह से उसकी सर्दी और खुश्की और बढ़ जाती है बाज़ लोग जो हैं उनके मतलब कब्ज़ का मसला है उनके लिए वो कई सालों से है मसलन पंद्रह साल से कब्ज़ का मसला है बीस साल से कब्ज़ का मसला है कब्ज़ जो है ये तिब के ज़बान में इसको उमुल अमराज कहते हैं यानी ये वो बीमारी है जो बीमारियों की माँ की हैसियत रखती है, है। इससे दूसरी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं इंसान के जिसम में जब इंसान के जिसम में कब्ज़ की बीमारी पैदा हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि मैदा सही तरीके से उस चीज़ को हज़म नहीं कर रहा जब मैदा हजम नहीं कर रहा तो फिर जज्ब कैसे करेगा बदन के लिए यानी बदन की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो जाती है न हज़म होता है न जज्ब होता है और यहाँ पर दफ़ में भी मुश्किल होता है यानी जब ये इंसान इसी खाने को जब दफ़ कर देता है खारिज करना चाहता है अखराज करना चाहता है तो, तो उसमें भी उसके लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं और इस कब्ज़ की वजह से फिर उसके लिए बवासीर की बीमारी भी पैदा हो जाती है हम अपने मिजाज के मुताबिक ऐसी चीज़ों को गाएँ जो हमारे मिजाज के मुताबिक है पहले हम अपने मिजाज को पहचानें मिजाज के पहचानने के बाद ऐसी चीज़ों का कहाना जो हमारे मिजाज के साथ मुनासिब है अगर हम वो कहना शुरू कर दें तो उसकी वजह से हमारी जो सलामती है वो बाकी रहती है और बीमारियों से हम बच सकते हैं और इसी तरह मिजाज की वजह से जो हमारे अखलाक पे असर हैं वो भी महफूज हो जाते हैं या इसी तरह मिजाज की वजह से बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आती है मतलब बाज़ बच्चे होते हैं तालब इलम होते हैं वो जब स्कूल में जाते हैं मदरसे में जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं बैठते हैं क्लास में और खराटे लेते हैं सो जाते हैं तो इन सोने की वजह से उसकी वजह क्या है वजह उसका मिजाज है उसका मिजाज जो है वो अतदाल में नहीं है अपने बैलेंस के ऊपर नहीं है बल्कि उसका मिजाज जो है ग़ालिब हो गया उसके बदन में सर्दी और तरे की मेदार बढ़ चुकी है और उसको बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है तो इस वजह से अगर उसके मिजाज को हम पहचानें तो उसकी मिजाज की वजह से उसके लिए खाने का बंदोबस्त हम सही तरीके से कर सकेंगे और वो बच्चा एक फाद और एक्टिव बच्चा बन बनेगा वही तरीके से अपने उसद की तरफ़ तोजो करते हुए बहुत कुछ सीख सकता है वालेकूम वरहि वबरक